Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. I am Tupa Mansoor and I am going to teach you lecture 3 of your book. In the last two lectures, we have discussed about the question type rules and how to make the statement as a question by using different words, by using different helping words, by making the change of the sentence structure, different helping words को start में लेके आके question कैसे बनाते हैं, WH questions use करके हम कैसे questions बनाते हैं, and we have discussed about the sentence structure of present tense, simple present tense, present indefinite, and the sentence structure and use the rules of using the helping verbs in the sentences of present continuous tense as well. So for today, in the lecture 3, we are going to study about reading skills, writing skills, and listening skills. There are four types of basic skills: reading skills, writing skills, listening skills, and speaking skills as well. There are four types of different skills in English language. Ye charo skills aapko aati hongi. If you have command on these four skills, you would be able to continue in English properly. Aapko English ki theek se samajh aa jayegi. To agar aapki sab charo skills aapke properly jo hain wo honge, aapko aate honge to. So let's move towards the first slide. Reading, guessing or the meaning of the words. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई भी चीज़, कोई भी आर्टिकल, कोई न्यूज़पेपर, कोई स्टोरी, कोई भी लेक्चर पढ़ रहे होते हैं, तो आप ये नहीं होता कि हर टाइप में, हर वर्ड में आपको मीनिंग जो है वो आता हो. आप इतने तो इतना ब्रॉडर तो आपकी डिक्शनरी है नहीं माइंड की कि आपको हर वर्ड का मीनिंग प्रॉपरली पता हो. तो हम समटाइम्स जो मीनिंग है ना उसको गेस करते हैं. सो कैसे गेस करते हैं, तो लेट्स मूव टूवर्ड्स the statement here. Many learners of English get worried or confused when they come across a difficult word. अब इसमें क्या होता है, हमारे पास डिक्शनरी हमारे पास होती है ऑब्वियसली. अब आजकल तो इतना एडवांसमेंट हो गया कि बच्चे, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने फोन में इवन डिक्शनरीज रखते हैं. ठीक हो गया, आप लोग भी अपने फोन में डाउनलोड करें डिक्शनरी, क्योंकि डिक्शनरी आपके फोन में होगी तो ये नहीं कि सिर्फ आप पढ़ने के टाइम, आप कहीं पे भी होंगे, किसी भी पॉइंट पे आप डिक्शनरी से वो वर्ड देख लोगे और इजी हो जाएगा. ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी अपने फोन में डाउनलोड करें, डैट वुड बी हेल्पिंग यू इन फ्यूचर एज वेल. किसी भी काम के लिए, आपकी वर्क फील्ड है, आपने कोई चीज बनानी है, कुछ लिखना है डॉक्यूमेंट, कोई टाइप करना है, आपको वो डिक्शनरी हर जगह पे काम आएगी फोन में. क्योंकि आजकल सबके पास ऐसा फोन तो है, स्मार्टफोन तो सबके पास है, जो सब बाकी चीजों को थोड़ा सा आप कम फोकस करें और अपनी डिक्शनरी और पढ़ाई की तरफ थोड़ा फोकस करें, ताकि आपको जो है ना हेल्प करे ये चीजें. एनीवेज, पहला हमने क्या पढ़ा है कि डिक्शनरी हमारे पास जो है कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे. ठीक हो गया, तो जब हम डिक्शनरी हमारे पास होगी तो हम फौरन से टाइप करेंगे वर्ड, हमारे पास क्या आ जाएगा. पहले तो डिक्शनरी, पहले बहुत पहले जब डिक्शनरीज इतनी मोटी मोटी होती थी, उनको निकालना बहुत मुश्किल होता था कि निकालो, फिर वर्ड ढूंढो, फिर वर्ड का कैसे पहले फर्स्ट अल्फाबेट कॉपी करो उसका, फिर सेकंड देखो, फिर सारे अल्फाबेट्स को देख के आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है डिक्शनरी यूज करना पहले. अब तो खैर बहुत इजी है, आपके पास डिक्शनरी होगी तो डैट वुड बी ईजी कि आप हर किसी वर्ड का मीनिंग जो भी लग रहा है, अगर आपको किसी का मीनिंग समझ भी आ रहा है ना लेकिन आप उसमें डाउटफुल हो, तो आप उसको मीनिंग को क्या करते हो, डिक्शनरी से आप एक बार कंफर्म कर लेते हो ताकि आपके लिए इजी हो जाए ये करना. ठीक हो गया, डिक्शनरी इज अ ग्रेट टूल, बट इफ यू रिलाई टू मच ऑन अ डिक्शनरी देन यू वुड नॉट बी एबल टू बिकम एन एफिशिएंट एंड फास्ट रीडर. ठीक हो गया, अब ऐसा नहीं होता कि डिक्शनरी है तो आप क्या करो, आप इवन कोई छोटा सा वर्ड है उसका मीनिंग भी आप डिक्शनरी से देखो, ये नहीं होता. आपको क्या करना होता है, आपको मीनिंग गेस करना होता है. ठीक है, और जब आप मीनिंग गेस करते हो तो आपके लिए इजी हो जाता है अपने उसको परफॉर्म करना. कोई भी जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसको आपके लिए बहुत इजी हो जाता है अगर आपको किसी भी वर्ड का, किसी डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग समझ आ जाए. ठीक हो गया,
ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द अदर स्लाइड दैट इज रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ मेनी अननोन वर्ड्स कैन बी इन्फर्ड और गेस्ड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट और पर्सपेक्टिव ऑफ द पैसेज. अब इसमें क्या होता है, आपके पास जो मीनिंग होता है आपके पास, वो अब एक वर्ड है उसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, ठीक है. हम उनके स्पेलिंग सेम होते हैं, लेकिन समटाइम्स जो होता है स्पेलिंग सेम होते हैं, वर्ड्स का मीनिंग डिफरेंट होता है, या समटाइम्स सेम वर्ड यूज हो रहा होता है एज अ नाउन यूज हो रहा होता है, समटाइम्स वही वर्ड हम एज अ वर्ब यूज कर रहे होते हैं. तो हर किसी सेंटेंस में, हर जगह पे हर वर्ड का जो मीनिंग है ना वो डिफरेंट होता है. ये नहीं कि हर वक्त, मोस्ट ऑफ द टाइम हर वर्ड डिफरेंट मीनिंग परफॉर्म कर रहा होता है. ठीक हो गया. तो हम इसमें देखते हैं कि मीनिंग ऑफ मैनी अननोन वर्ड्स कैन बी इन्फर्ड. हम जो जिनका मीनिंग पता नहीं होता, लेकिन हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि आप बैकग्राउंड देखते हो उसका. अगर आपके पास कोई पैराग्राफ गिवन है, आप उस पैराग्राफ का पहले बैकग्राउंड देखोगे, उस सेंटेंस को पढ़ के आप बैकग्राउंड देखोगे कि बात हो किस चीज की रही है, तो आप फिर अपना मीनिंग गेस करोगे ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, आप पढ़ना आपके लिए आसान हो जाए. ठीक हो गया. सो लेट्स डू एन एक्टिविटी. और एक्टिविटी आपने जरा ध्यान से मेरे साथ फॉलो करनी है ताकि आपके लिए इजी हो जाए ये परफॉर्म करना, और आपको समझ आ जाएगी कि आपने किसी भी कॉन्टेक्स्ट से, किसी भी पैसेज से आपने मीनिंग कैसे इन्फर करना है, कैसे बनाना है. द फॉलोइंग इज अ न्यूज पेपर रिपोर्ट. अब एक न्यूज पेपर से एक रिपोर्ट ली गई है. दिस रिपोर्ट कंटेन्स अ नंबर ऑफ वर्ड्स प्रिंटेड इन इटैलिक्स एंड विच यू माइट नॉट नो. अब काफी वर्ड आगे ऐसे आएंगे जिनका आपको पता ही नहीं होगा. रीड इट केयरफुली एंड सी इफ यू कैन गेस द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज. ठीक हो गया. अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास रिपोर्ट गिवन है उसमें क्या है. बस मीनिंग्स काफी गिवन होंगे और जो वर्ड्स काफी गिवन है जिसका मीनिंग आपको पता नहीं होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, हम कॉन्टेक्स्ट से गेस करेंगे उसका मीनिंग. और वो जो वर्ड्स हैं जिनका हमने मीनिंग गेस करना, वो इटैलिक्स में. इटैलिक्स क्या होता है, जो टिल्ट फॉर्म में लिखे हुए होंगे मीनिंग्स, हम उसको देख लेंगे. ठीक हो गया. और देखते हैं फिर हम जब एंड में कर लेंगे, हमने पैसेज के थ्रू ये इजी हमने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लिया एक्टिविटी के मीनिंग हमने सही निकाले या गलत निकाले. लेट्स मूव. बैंकॉक जनवरी 24. अ पुलिस स्पोक्समैन told reporters that an unidentified man had knifed six foreigners in the back here yesterday. अब हमने इसका context देखा है. अब policeman की बात हो रही है, जो police है. अब क्या करिए, एक spokesman है, उसने reporter spokesman यहाँ पे हम underline हुआ हुआ है. आप इसका meaning देखते हैं, इसके हमने हम क्या सोचेंगे और आगे इसको क्या define करेंगे. unidentified, जिसका कुछ पता ही नहीं है. man had knife, knife का मतलब है कि knife से ये निकला है, knifed. knife जो है इसका मतलब क्या होता है कि उसने six foreigners को मार दिया, ठीक है. एक unidentified man था. police स्पोक्समैन का मतलब है कि उसने बोला, मतलब कोई स्पीकर जो होता है हमारे पास, ये स्पीक से निकला हुआ है. देखो हमने तीनों मीनिंग्स कैसे गेस किए, नाइफ्ट का कैसे निकाले हमने नाइफ से, और उसका कैसे, स्पोक्समैन का मतलब हमने स्पीक से निकाला कि स्पीकर से निकाला है, कि हमने गेस खुद कर लिया. फिर अनआइडेंटिफाइड. आइडेंटिफाई क्या होता है कि मतलब आप किसी को आइडेंटिफाई करते हो किसी भी चीज से. अनआइडेंटिफाई का मतलब है किसी को कुछ पता ही नहीं है, कि कोई भी ऐसे रैंडम कोई था मैन जिसका कुछ पता ही नहीं था. उसने एक रिपोर्ट उसने क्या किया, उसने एक सिक्स फॉरनर्स को नाइफ कर दिया, मतलब काट दिया इन द बैक हियर यस्टरडे. अब आपने क्या देखा है कि हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस में तीन हैं हमारे पास वर्ड जो अंडरलाइन हुए हैं. इसमें हमने क्या किया है, फर्स्ट को हमने खुद से डिफाइन कर दिया है कि वो स्पीकर से डिफाइन हुआ है. अनआइडेंटिफाइड का मतलब इसका पता ही कुछ नहीं है. थर्ड है नाइफ. नाइफ को हमने किया है जो छुरी से हमने निकाला है कि उसको काट दिया, मतलब मार दिया. उसने क्या किया, उसने तीनों वर्ड्स को हमने अब कॉन्टेक्स्ट के बाद हमने डिफाइन कर लिया कि हाँ ये वाला वर्ड था. ठीक हो गया.
समझ आ रही है, आई होप यू आर फॉलोइंग मी। क्योंकि ना ये थोड़ा सा ट्रिकी है, पर अगर आपको करना आ जाएगा ना तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू, कि ये आप करके रहे और आपके लिए बहुत इजी और आसान हो जाएगा। ठीक हो गया, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं उस पर। हमने देखो कॉन्टेक्स्ट देखे, कॉन्टेक्स्ट देख के हमने हर चीज डिफाइन कर दी है तीनों वर्ड्स की। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, द विक्टम्स, विक्टम्स भी अंडरलाइन हुआ हुआ है। अब इसमें हम चलते हैं, द विक्टम्स वर ओनली स्लाइटली इंजर्ड। अब हमारे पास क्या है इसमें, विक्टम्स कौन होते हैं, जो हर्ट हुए होते हैं लोग, ठीक है, जिन लोगों को चोट लगी होती है, जो उसका निशाना बनते हैं। देखा हमने, देखा विक्टम्स। अब विक्टम्स क्योंकि हमने यहाँ पे एंड किया है सिक्स फॉरनर्स पे जिनको मारा गया, ठीक हो गया। अब क्या किया है, विक्टम्स, अब उसी से रिलेटेड हमने किया विक्टम्स। विक्टम्स कौन है इसमें, कि जो हमारे पास हर्ट हुए हैं लोग, जिनको चोट लगी है, वो हमारे पास विक्टम्स। वर ओनली स्लाइटली, स्लाइटली क्या मतलब, थोड़े से, अ लिटिल बिट, उनको थोड़ी चोटें हैं। इसका मतलब है जो हमें नाइफ का मतलब उसके हाथ में छुरी होगी, उस रिपोर्टर, उस अनआइडेंटिफाइड मैन के हाथ में छुरी होगी, उस वैसे ही उसने मार दिया होगा तीनों सिक्स फॉरनर्स को। और जो फॉरनर्स हैं वो विक्टम्स हैं यहाँ पे, जो लोग इसका निशाना बने हैं, जो हर्ट हुए हैं, लेकिन स्लाइटली मतलब ओनली स्लाइटली, थोड़े से इंजर्ड, चोट लगी है, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे जो सिक्स वर्ड्स हैं क्या किए, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है इन वर्ड्स के मीनिंग्स को विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट। हमारे पास कॉन्टेक्स्ट गिवन था कि भाई जो हम बात कर रहे हैं छह फॉरनर्स के जिनको मारा गया है, तो हमने विक्टिम का वर्ड ऐसे ले स्लाइटली, थोड़ा सा इंजर्ड का मतलब पता है, इंजर्ड जो है वो हुए थे, जो जिनको चोट लगी है। एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म, अब यूनिफॉर्म यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब हम यूनिफॉर्म से लेते हैं कि जैसे कि यूनिफॉर्म है ना आपका, जो जैसे होता है हमारे पुलिसमैन का यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म से ये वर्ड निकला यूनिफॉर्म्ड। एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म्ड एंड प्लेन क्लोथ, अब प्लेन क्लोथ का क्या मतलब है, जो नॉर्मल, जिनका प्लेन क्लोथ होता है, प्लेन जो नॉर्मल पुलिस होती है, हैव बीन डिप्लॉयड। अब हमारे पास जो ये सर्च करना है, इसका मतलब है कि डिप्लॉय, हैव बीन डिप्लॉयड इन वेरियस रेजिडेंशियल एरिया। रेजिडेंशियल, रेजिडेंसी तो आपको पता ही है क्या होती है, घर, तो रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे घर बने हुए। एंड टूरिस्ट स्पॉट्स, अब टूरिस्ट स्पॉट्स क्या होते हैं, टूरिस्ट, टूरिज्म से पता है आपको कि जो भी वर्ड्स, जो भी प्लेसेस होती हैं जो टूरिस्ट जहाँ पे आते हैं, तो उसको टूरिस्ट स्पॉट्स कहते हैं। तो टू ट्रैक डाउन, मतलब उनको नैरो डाउन किया है उन्होंने, ट्रैक डाउन द मैन। अब क्या किया उन्होंने, कि उन लोगों की जो पुलिसमैन है, उन्होंने क्या किया है, यूनिफॉर्म वाले पुलिस भी और जो प्लेन क्लॉथ थे जिन्होंने नॉर्मल कपड़े पहने थे पुलिस के, एक तो होता है ना वो आपकी पुलिस होती है जो थोड़ी हायर अथॉरिटी में आते हैं, जिनका यूनिफॉर्म थोड़ा सा चेंज होता है, अब वो यूनिफॉर्म वाले भी थे और बगैर यूनिफॉर्म के, या टोटल प्लेन क्लॉथ वाले यूनिफॉर्म थे, उन्होंने क्या किया, डिप्लॉय किया है उसको। डिप्लॉय का मतलब हमने यहाँ पे लिया है कि हंट किया है, सर्च किया है यहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज में, जहाँ पे लोग रह रहे थे, जो वहाँ पे कम्युनिटी बनी हुई है लोगों की, वो रह रहे थे वहाँ पे, उन एरियाज में। टूरिस्ट स्पॉट्स वो होगा जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, पार्क्स होंगे, डिफरेंट ऐसी प्लेसेस होगी। और ट्रैक डाउन द मैन, उनको फाइंड करने के लिए, उनको उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, उन्होंने उन आदमियों को, जो आदमी था उसको ढूंढने के लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सर्च किया है। डिप्लॉय का मतलब सर्च किया है, हमें नहीं पता डिप्लॉय का मतलब क्या था, हमने किया कि पुलिस ने सर्च किया ना, ढूंढा है, ठीक हो गया। हमने इसका मीनिंग खुद ही से कर लिया है, तो समझ आ गई इसकी। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस, आई विटनेस। आई विटनेस का यहाँ पे हम क्या मतलब लेते हैं, कि आई विटनेस, जो अपनी आई मतलब देखना, आंखों से देखते हैं ना, तो आई विटनेस का क्या मतलब हम यहाँ पे लेंगे, कि जो आंखों से देखा गया, जो जिन्होंने देखा था, जो उस पॉइंट पे जब वो जो फॉरनर को मार रहा था, उसने उस पॉइंट पे क्या किया, जो लोग मौजूद थे उन्होंने क्या, दैट ना एजालियंट, सॉरी एजाइलेंट, जो हमारे पास हम इसको एजाइलेंट को क्या लेंगे इसमें, कि जो अटैकर था, मतलब जो जिसने अटैक किया था, जो हमारे पास अनआइडेंटिफाइड मैन था, एजाइलेंट वाज इन हिज अर्ली ट्वेंटीज।
अब जो लोग देखने वाले थे वो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो असाइलेंट था उसकी एज को बता रहे हैं कि देखने में वो 20s के स्टार्ट में लगता होगा, एंड हैड फेयर स्किन एंड शॉर्ट हेयर एंड वोर ग्लासेस. अब उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बताई गई कि जो असाइलेंट था वो 20s उसकी एज थी, और उसका जो स्किन कलर था वो फेयर था, और उसके शॉर्ट हेयर थे, और वो ग्लासेस पहनी हुई थी उसने. अब हमें क्या पता, आई विटनेस का पता हमें पता चल गया, लेकिन असाइलेंट थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है. लेकिन यहाँ पे जो लोगों ने जिन्होंने देखा होगा वो क्या कर रहे होंगे कि उन्होंने असाइलेंट का मतलब असाइलेंट यहाँ पे एक ही मैन को शो कर सकता है, क्योंकि जो ये थे जो फॉरनर्स थे उनके तो वो तो 6 थे, ठीक है, तो उनको बताएंगे तो वो तो डिफरेंट, हम डिफरेंट वर्ड उसके लिए यूज़ करेंगे. लेकिन यहाँ पे एक की बात हो रही है, असाइलेंट एक ही आदमी वॉज अर्ली एज में था 20s के, और उसका जो स्किन कलर था वो फेयर था, छोटे बाल थे उसके, और उसने ग्लासेस पहने हुए थे. वन ऑफ द विक्टम्स सेड ही डिड नॉट सी हिज असाइलेंट बट फेल्ट did not see his assailant but felt a sharp knife thrust. अब thrust का यहाँ पे क्या मतलब शो हो रहा है, thrust into his left side. अब हमें नहीं पता thrust का मतलब क्या है, हमने क्या किया, knife thrust मतलब उसने मारी, उसने क्या किया, उसने push किया, जोर लगाया, जोर से उसको मारा into his left side. अब हम फिर इस sentence को देखते हैं. One of the victims सेड, विक्टम हमने ऊपर पढ़ लिया है, जो विक्टम कौन होते जो जो किसी भी चीज से इंजर हुए हुए थे, जो 6 फॉरनर्स थे उसमें से एक. विक्टम्स सेड डेट ही डिड नॉट सी उसने देखा ही नहीं इस असाइलेंट को जो हम उसको मार रहा था, उसने देखा नहीं, लेकिन फेल्ट उसने फील किया शार्प नाइफ को, कि मतलब उसके हाथ में जो अटैकर था उसके पास शार्प नाइफ थी. थ्रस्ट का मतलब मारा उसने जोर लगा के इनटू हिज लेफ्ट साइड, उसकी लेफ्ट साइड पे उसने बहुत जोर से असाइलेंट ने मारा, थ्रस्ट किया उसने जोर से. आई हेल्ड अ टैक्सी एंड वेंट टू द हॉस्पिटल ही सेड. अब उसी विक्टिम की बात हो रही है, हेल्ड का मतलब, अब हेल्ड अ टैक्सी, हेल्ड का मतलब नहीं पता, हम क्या करेंगे, ही हेल्ड अ टैक्सी, आई हेल्ड अ टैक्सी, उसने टैक्सी को आवाज दी या बुक कराई, दो हम मीनिंग्स यूज कर सकते हैं. तो क्या किया उसने, क्या आई हेल्ड अ टैक्सी एंड वेंट टू द हॉस्पिटल ही सेड. अब उसने क्या किया, उसने एक टैक्सी बुक कराई या कॉल किया उसको. अब दो चीजें हम कर सकते हैं, उसने इसको हम दो तरह से ले सकते हैं. क्या किया इसने कि उसने टैक्सी बुक कराई है, उसको आवाज ही टैक्सी को और हॉस्पिटल चला गया उसने ये कहा. अब इसमें 4 to 5 सेंटेंसेस, इसमें हमारे पास हमने कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग्स तो ले लिए हैं इसके, जैसे कि हम बात करते हैं स्पोक्समैन की, स्पीकर से हमने निकाला इसे कि बताना, जो स्पीकर था जो बोल रहा था उसने बताया रिपोर्टर्स को, अनआइडेंटिफाइड जिसका कुछ पता ही नहीं था. नाइफ का मतलब हमने छुरी से निकाला कि उसने मारा. विक्टम्स वो थे जो इसका निशाना बने थे, स्लाइटली थोड़ा सा इंजर्ड जो था वो, इंजर्ड का मतलब जिनको चोट लगी थी. डिप्लॉय मतलब सर्च किया था, रेजिडेंशियल जो जहाँ पे लोग रहते थे, ट्रैक डाउन सर्च किया, और आई विटनेस के जो लोग देख रहे थे, असाइलेंट है जी जो जिसने मारा था. ट्रस्ट का मतलब जोर से उसने जो हिट किया, पुश किया, और हेल्ड का मतलब आवाज दी या फिर जो है उसने बुक कराई. ठीक हो गया, अब हम देखें हम किस हद तक राइट थे. हमने जो पढ़ा है इसका, जो हमने ये रिपोर्ट पढ़ी है, इसमें देखते हैं हमारे वर्ड्स का मीनिंग कैसा था और उनका मीनिंग सेम है कि नहीं. सो हियर इज द लिस्ट ऑफ द वर्ड्स गिवन हियर. जैसे हमने पढ़ा स्पोक्समैन वन है, स्पोक्समैन का वन किधर है, अ पर्सन हु स्पीक्स फॉर और रिप्रेजेंट अदर्स ऑफिशियली. ठीक है, बोलने वाला, हमने स्पीकर लिया था इसका मतलब. ठीक है, हमने बिल्कुल ठीक लिया था, अ पर्सन जो बोलता है, रिप्रेजेंट करता है लोगों को ऑफिशियली, स्पीकर. ठीक हो गया, हमारा मीनिंग भी इससे मिलता जुलता ही था. अनआइडेंटिफाइड टू किधर है, समवन और समथिंग हुज नेम वी डोंट नो, जिसका हमें पता ही नहीं, आता पता ही नहीं है. ठीक हो गया, हमने सही डिफाइन किया था इसको भी. सो टू नाइफ समवन के साथ हमारे पास वर्ड यूज होता है नाइफ. ठीक है, इसका टू स्टैब विद अ नाइफ, किसी को नाइफ से मारना. ठीक है, इसका मतलब ये है. अब हमारे पास अगला है विक्टम. विक्टम क्या होता है, हर्ट.
किसी जो जो उस निशाना बने थे उनका जो अटैकर था उसका निशाना बने थे वो थे विक्टम, स्लाइटली, लिटल, अ बिट, रादर, थोड़ा सा, जैसे थोड़ी सी चोट लगी थी उसको तो हम स्लाइटली वहां पे इंजर्ड, इंजर्ड या समवन हु सफर्स पेन, हर्ट और डेथ, मतलब जिसको चोट लगती है वो वाली बात होगी। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या होता है? ड्रेस्ड इन अ सर्टेन टाइप ऑफ क्लोथ्स विच ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप वेयर। यूनिफॉर्म, अगर पुलिस का यूनिफॉर्म है किसी ग्रुप में आते हैं तो यूनिफॉर्म वो वाला सीन यूनिफॉर्म से निकला है। प्लेन क्लोथ्स होते हैं, प्लेन क्लॉथ, वेयरिंग ऑर्डिनरी क्लोथ्स ऑन ड्यूटी। अब ड्यूटी पे कुछ पुलिसमैन जो थे वो जब उनको कॉल किया क्योंकि फॉरनर्स पे अटैक हुआ तो वो जल्दी जल्दी आ गए होंगे विदाउट देयर यूनिफॉर्म, नॉर्मल कपड़ों में आ गए होंगे, तो वो वाली बात इसमें हम कह रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डिप्लॉय, टू फाइंड समवन और समथिंग बाय हंटिंग और सर्चिंग। अब किसी को अब हमने डिप्लॉय का वर्ड वहां पढ़ा था जब हम बात कर रहे थे कि पुलिस ने सर्च किया, तो देखो यहाँ पे सर्चिंग और हंटिंग का वर्ड से ही हमने गैस किया था इसका। रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल का मतलब पार्ट ऑफ टाउन कंसिडर्ड को प्राइवेट, जहाँ पे घर थे, जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे रेजिडेंशी है। टू ट्रैक डाउन, टू प्लेस और पोजिशन, प्लेस स्पेशली और पुलिस मैन इन अ पर्टिकुलर वे ऑफ एक्शन, किसी भी जगह को ट्रैक डाउन करना, मतलब उसको पर्टिकुलर एक्शन के लिए हम ट्रैक डाउन करते हैं, वो वाली बार हमने ठीक गेस किया था इसको भी। आई विटनेस सोल्जर्स, आई विटनेस का मतलब वही पर्सन हु सीज एन इवेंट हैपन, ठीक हो गया, पता समझ आ गई है इसकी। असाइलेंट, असाइलेंट है अटैकर, जो अटैकर था हमारे पास जिसने नाइफ मारी थी, हमने बिल्कुल सही। ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब हमने जो डिफाइन किया था वो था मारना जोर से। टू पुश सडनली विद फोर्स, ठीक हो गया। हेल, हेल हमने किया था, हेल टैक्सी मतलब आवाज देना या बुक करना, देखते हैं 15 की तरह। टू कॉल और समन, आवाज दी, उसने टैक्सी बुलाई होगी, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो पिछले उसमें वर्ड थे वो गिवन है इधर और हमने उसको गैस किया है और वी ट्राइड आवर बेस्ट कि हमारे गैस वर्ड्स बिल्कुल ठीक हो जाए। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन द न्यूज पेपर रिपोर्ट वी मस्ट हैव नोटिस्ड हाउ अ नाउन नाइफ कैन बी यूज एज अ वर्ड। नाउ हेयर आर सम मोर सेंटेंसेस, इन ईच सेंटेंस देयर इज वन वर्ड रिटन इन पिंक। दीज वर्ड्स और वर्ब्स आर डिराइव्ड फ्रॉम वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड नाउन्स गेसिंग देयर नेम। अब हमारे पास नाइफ जो है वो नाउन है, नाइफ वर्ब नहीं है, लेकिन हमने उसके साथ ईडी लगाया। समटाइम कुछ वर्ड्स किसी सेंटेंस में एज अ नाउन परफॉर्म करते हैं, एज अ वर्ब भी परफॉर्म करते हैं, तो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कौन से वर्ड यहाँ पे गिवन है। द नर्स व्हील्ड, व्हील जो है वो वर्ब है, व्हील्ड द पेशेंट इन टू द ऑपरेशन रूम। व्हील मतलब व्हील चेयर पे लेके गई उसे, उसने ड्रैग किया ट्रॉली को, जो व्हील ट्रॉली थी, व्हील्ड उसको हमने कहा है व्हील, लेकिन ऐसे वर्ब है, लेकिन ऐसे जो है वो नाउन है, लेकिन यहाँ पे एज अ वर्ब यूज किया गया है व्हील्ड, ईडी लगा के। Children like these pills because they are coated with sugar. अब कोट तो हमारे पास नाउन है जो पहनने वाला होता है। अब यहाँ पे pills मतलब गोलियाँ, ऐसी गोलियाँ हैं क्योंकि इसको शुगर में, शुगर इनके ऊपर एक कोट है, जैसे हम अपने आप को कवर करते हैं कोट से, इसी तरह वो जो गोलियाँ हैं, मीठी गोलियाँ कह रहे हैं, मीठी गोलियाँ जो हैं वो शुगर से कवर हुई हुई हैं, कोट हुई हुई हैं। कोट वैसे तो नाउन है लेकिन यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हो रहा है। थर्ड सेंटेंस, इट्स वेरी स्टफी इन हेयर, आई थिंक वी शुड एयर द रूम। अब एयर का मतलब यहाँ पे क्या, हम हवा तो देना शुरू नहीं कर सकते, लिटरल मीनिंग तो हम कभी नहीं देखेंगे इसका, हम कहेंगे वी शुड एयर द रूम, हम उसमें थोड़ा सा या तो हवा चलाएं, पंखा चलाएं, पंखा ऑन करें, फैन ऑन करें उसका, या एयर कंडीशन चलाएं, या फिर हम एयर फ्रेशनर कर दें, ठीक हो गया। तो हम तीनों कॉन्टेक्स्ट में इसको ले सकते हैं, ठीक हो गया। एयर यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हो रहा है लेकिन एक्चुअली एयर इज अ नाउन। The first cornered the rat and then caught it. They first cornered. अब cornered, corner का मतलब पता है कोना। अब यहाँ पे एज अ वर्ड बोलते cornered the rat, उसने उन्होंने पहले कॉर्नर में किया रैट को, उसके बाद उसको पकड़ लिया, ठीक हो गया। कॉर्नर इज अ वर्ब नाउन लेकिन यहाँ पे एज ए वर्ब यूज हो रहा है। द पॉलिटिशियन वर्डेड हिज रिप्लाई वेरी केयरफुल, वर्डेड मतलब उसने बोला, वर्ड से निकला है ये कि वर्ड इज अ वर्ड जो है वो नाउन है लेकिन यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हो रहा है विद ई डी। ठीक
ठीक हो गया. सम वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज वर्ब एंड कैन बी यूज्ड एज नाउन्स एज वेल. थिंक ऑफ नेम्स फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच कैन बी यूज्ड वर्ब्स एज वेल एज नाउन्स. फॉर ईच वर्ड दैट यू कैन थिंक ऑफ राइट टू सेंटेंसेस. एग्जाम्पल हैड. ही हैज अ बिग हैड. हैड एज अ नाउन यूज हो रहा है बॉडी पार्ट के उसमें. लेकिन ही हैड्स अ लार्ज कंपनी मतलब वो एक बड़ी कंपनी को रन करता है. उसका वो हेड है. ही हैड्स उसको वो सारे हेड वाले जो उसकी क्वालिटी है यानी कि सर सर वो ही हैड्स अ लार्ज कंपनी वो सर करता है बड़ी कंपनी को. नहीं वो चलाता है वो उसका हेड है वो उसका बॉस है. ठीक हो गया. सम वर्ड्स कैन बी यूज एज नाउन सम वर्ड्स कैन बी यूज द सेम वर्ड्स कैन बी यूज एज वर्ब्स एज वेल. अब हमारे पास हमने रीडिंग वाली एक्टिविटी कर ली. नाउ मूव टू वर्ड्स राइटिंग. राइटिंग कनेक्टेड सेंटेंसेज. वी जॉइन सेंटेंसेज इन मेनी डिफरेंट वेज. वी यूज एंड बट हाउएवर एंड मेनी सच कनेक्टर्स टू जॉइन टू शॉर्टर सेंटेंसेज एंड मेक देम लॉन्गर. इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू जॉइन सेंटेंसेज विद द लिंकिंग वर्ब्स और कंजंक्शंस. अब हम राइटिंग सेंटेंसेज को कैसे जोड़ते हैं. जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको हम देख लेते हैं. अ कंजंक्शन इज अ वर्ड That is, a conjunction is a connected word that connects parts of a sentence. We will look at only two types of conjunctions, coordinating conjunction and subordinating conjunctions. Coordinating conjunctions join single words or they may join group of words, but remember that they always join similar elements. For example, क्या हो जाएगा. हम किसी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ जोड़ सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में. वर्ब फ्रेज को वर्ब फ्रेज के साथ और सेंटेंसेस को सेंटेंसेस के साथ. अब हमारे पास कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की एग्जांपल्स क्या है. एंड बट और येट फॉर नोर नॉर सो. Among the coordinating conjunction, the most common are and, but, or. Let us explore the uses of these three conjunctions further. The examples illustrate use of these coordinating conjunction. अब इन तीनों को जरा डिटेल देख लेते हैं. And कब यूज होता है. ताहिर sent in his applications and waited for a response. अब ये वाला जो ताहिर ने एप्लीकेशन भेजी और उसका रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है तो ये कोऑर्डिनेटिंग जो है ये ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. ठीक हो गया. क्योंकि इसमें दोनों का कॉन्टेक्स्ट दोनों की बात सेम हो रही है. दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं. यूज योर वॉलेट कार्ड्स फ्रीक्वेंटली एंड यू विल सून फाइंड योर डीप इन डेप्थ. ठीक है. अब उसने कहा है कि अब ये जो अपने क्रेडिट कार्ड्स यूज करो लेकिन और तुम कर्जे में डूब जाओगे. ठीक है. तो ये दोनों चीजें दोनों जो हमारे पास कहने के हमारे पास फ्रेजेस हैं ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं. सेम कॉन्टेक्स्ट जा रहा है तो इसीलिए हमने एंड यूज किया है. ठीक हो गया. बट दिस इज यूजफुल रूल बट डिफिकल्ट टू रिमेम्बर. अब ये हमने ज्वाइन तो कर लिया बट इसमें क्या है ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं. हम इसमें रीजन दे रहे हैं. बट में वी ऑलवेज यूज रीजन्स. बट लेकिन डिफिकल्ट है ये रूल. यूजफुल है लेकिन डिफिकल्ट है रिमेम्बर करना. आई लव टू ड्रिंक टी बट हेट सॉफ्ट ड्रिंक्स. मतलब मुझे टी तो अच्छी लगती है लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक्स पसंद नहीं है. और अब और भी आ जाते हैं. यू कैन स्टडी हार्ड फॉर दिस एग्जाम और यू कैन फेल. या तो आप इसमें एग्जाम में स्टडी हार्ड कर लें या फिर आप फेल हो जाएंगे. दोनों चीजें और का मतलब या होता है. वी कैन ईट चिकन टू नाइट और वी कैन जस्ट ईट सम दाल चावल. और हमारे पास ऑप्शन होती हैं और या. ठीक हो गया. तीनों का जो सेंटेंस तीनों सेंटेंसेस का जो कॉन्टेक्स्ट होता है इन कंजंक्शन का आगे वाला और पीछे वाला दोनों सेम जा रहे होते हैं इस टाइप में. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज समटाइम्स कॉल्ड अ डिपेंडेंट वर्ड और सबऑर्डिनेटर एंड इट कम्स एट द बिगनिंग ऑफ द सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज. नोटिस सम ऑफ द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस गिवन इन द टेबल. कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आफ्टर बिफोर बिकॉज सिंस नाउ व्हेन व्हाइल एज सिंस इन ऑर्डर टू अंटिल सो. अब ये क्या होता है इसमें हमारे पास दो यूज होती हैं. ऑल्दो इफ दो अनलेस इवन दो ओनली इफ वेयर एज वेदर और नॉट व्हाइल इवन इफ इन केस दैट. अच्छा आफ्टर. अब आफ्टर को देख लेते हैं. आफ्टर वी फिनिश टेकिंग द टेस्ट
वी आर गोइंग आउट टू ईट. अब इसका मीनिंग जो होता है वो आ जाता है सिंपल. आफ्टर वी फिनिश टेकिंग द टेस्ट वी आर गोइंग आउट टू ईट. हम जैसे ही हम अपना फिनिश कर लेंगे टेस्ट, हम उसके बाद खाने के लिए जाएंगे. ठीक हो गया. आफ्टर स्टार्ट में आया हुआ है, मोस्टली स्टार्ट में आया. सिंस वी हैव लिव्ड इन लाहौर वी हैव गॉन एवरी हिस्टोरिकल साइट. अब वो अब हर जो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है ना, वो एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं कि उनका जो सेकंड सेंटेंस है वो फर्स्ट वाले पे इस तरह डिपेंड कर रहा है कि उसकी रीजन दी हुई है, उसका बताया हुआ है कि हम जैसे लाहौर में रह रहे हैं इतने अरसे से, तो हमें हर हिस्टोरिकल जगह का पता है, हम गए हुए हैं हर जगह पे. वाइल जबकि, मतलब जबकि आई वॉज राइटिंग वेटिंग इन द लाइन फॉर द म्यूजियम टू ओपन आई इट. मैंने मतलब इन द मीन वाइल, मतलब जैसे कि जैसे जिस दौरान मैं लाइन में खड़ा हुआ था म्यूजियम में, मैंने उस दौरान अपना लंच कर लिया. दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं. ऑल्दो द लाइन वाज लॉन्ग एंड द वेट ओवर 2 आवर्स द विजिट वाज वर्थ इट. मतलब जबकि जो लाइन जो थी वो बहुत लंबी थी, बहुत वेट किया, लेकिन जो विजिट था वो उसको वो वर्थ करता है, उसकी इतनी वर्थ है, वो इस काबिल है कि हमने इतना वेट किया इसका. इवन इफ यू हैव ऑलरेडी बॉट योर टिकट यू स्टिल नीड टू वेट इन लाइन. जबकि आपने ऑलरेडी वो टिकट बाय कर लिया, लेकिन फिर भी आपको लाइन में वेट करना पड़ेगा. ठीक हो गया. आई लव गुलजीज वर्क बिकॉज ही यूजेस कलर सो ब्रिलियंटली. बिकॉज का मतलब तो हमेशा रीजन पे आता है. ठीक है, गुलजी का वर्क वो पसंद करता है क्योंकि उसमें कलर्स बहुत अच्छे यूज किए होते हैं ब्रिलियंटली. अब हमारे पास जो थर्ड टाइप है, थर्ड स्किल है, वो लिसनिंग अंडरस्टैंडिंग डायरेक्शंस आ जाएगी. ठीक हो गया. When we are visiting a different city, we normally face problems finding places where we want to go. So, we usually ask people who live and know that city. And if we are visiting a foreign or an English-speaking country, we have problems understanding and following directions in English. अब हमारे पास क्या हो गया कि हम लोग जब किसी नए सिटी में जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स होती है डायरेक्शंस के लिए. हम क्या करते हैं कि अपना मैप देखते हैं या किससे पूछते हैं या जो भी होता है, तो हम उन डायरेक्शंस को फॉलो करके हम जो हमारा डेस्टिनेशन है उसकी तरफ पहुंच जाते हैं. ठीक है, एग्जांपल देखें. लुक एट द मैप ऑफ क्लिफ्टन एरिया इन कराची. मुस्तफ़ा लिव्स इन कराची एंड साउथ इज अ विजिटर टू कराची. मुस्तफ़ा रहता है कराची में और साउथ जो है वो कराची में घूमने आया हुआ है. साउथ वॉन्ट्स टू गो टू द आगा सुपर स्टोर एंड नीड्स हेल्प. अब आगा सुपर स्टोर उसने ढूंढना है और उसको हेल्प चाहिए. मुस्तफ़ा इज ट्राइंग टू हेल्प हिम बाय गिविंग हिम द डायरेक्शंस टू रीच आगा सुपर स्टोर सुपरमार्केट. ठीक हो गया. लिसन केयरफुली एंड हाउ मच मुस्तफ़ा इज Giving directions and as you listen, trace the route with a pencil and you see if you can understand Mustafa's directions. अब देखते हैं कि कितने easy Mustafa directions समझाता है उसको. अब क्या कहते हैं कि साउथ ने यह किया. Excuse me Mustafa, can you tell me the way to Agha Superstore? अब वो उससे पूछ रहे हैं साउथ से. साउथ पूछ रहे मुस्तफ़ा से कि आप मुझे आगा सुपर स्टोर का रास्ता बता देंगे. मुस्तफ़ा कहता है यस, नाउ लेट मी सी यू व्हाट इज द बेस्ट वे. अब वो कह रहे हैं कि मैं देखता हूँ कौन सा बेस्ट वे है, कौन सा अच्छा तरीका है, कौन सा अच्छा रास्ता है. ओके, एट द मोमेंट वी आर एट द सिंध रेस्ट हाउस. अब सिंध रेस्ट हाउस पे खड़े हैं. वो कहते हैं ओके, फर्स्ट टर्न राइट टूवर्ड्स कहकशां. अब आपने क्या करना है, मैप ऐसा बनाते जाना है. क्या कहकशां की तरफ राइट होना है. एट द स्पॉट, किस स्पॉट पे खड़े हैं वो, सिंध रेस्ट हाउस पे खड़े हैं. वहां से उसने राइट होना है. टेक द फर्स्ट राइट टर्न टूवर्ड्स ब्लॉक 7. ठीक हो गया. ब्लॉक 7 आ जाएगा टर्न करेंगे राइट पे. तो कीप मूविंग डाउन अंटिल यू रीच अ टी जंक्शन ऑफ उज़्मा आर्केड. ठीक है. अब उन्होंने कहा है कि आप टी जंक्शन पे सीधा ब्लॉक 7 की तरफ जाओगे, सीधा ही जाते जाएंगे, तो क्या करेंगे आप पहुंच जाएंगे टी जंक्शन पे उज़्मा आर्केड पे. टेक द फर्स्ट राइट टर्न अगैन. अब पहला राइट टर्न लिया है, बस ब्लॉक 7 आ गया. ब्लॉक 7 का सीधा जाते कि हम टी जंक्शन आ गया. उसके बाद हमने फर्स्ट राइट टर्न दोबारा लेना है. मूव अ बिट स्ट्रेट एंड जस्ट बिहाइंड उज़्मा आर्केड इज द आगा सुपर स्टोर. डिड यू अंडरस्टैंड साउथ वेल? यस, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड इट विदाउट मच प्रॉब्लम. अब ईजी था, उसने आसान तरीका बता दिया. उसने क्या कहा है कि आपने रेस्ट हाउस पे खड़े हो, आप सीधा जाओगे, फर्स्ट टर्न राइट टूवर्ड्स कहकशां, देन द फर्स्ट राइट टर्न टूवर्ड्स ब्लॉक 7, कीप मूविंग टूवर्ड्स टी जंक्शन, उसके बाद
अगेन टर्न राइट करना है उसने, अ बिट स्ट्रेट. अब उस मार्केट के पीछे जो है वो सुपर स्टोर है, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक हो गया. अब डायरेक्शंस का ओवरऑल हमने देख लिया कि अगर हम देखते हैं, अगर हम ये तो लिखा हुआ है आपके सामने, लेकिन अगर आप किसी को ध्यान से सुनेंगे तो डैट वुड बी वेरी इजी कि आप जो है ना अंडरस्टैंड कर सकें उसको. अब वो उसे ओरली अगर समझा रहा है कोई भी बात तो आप क्या कहेंगे, आप गौर से सुनेंगे. अगर आपको किसी चीज़ का रास्ता पता करना है आप गौर से सुनेंगे, आपका लिसनिंग स्किल्स अच्छे होंगे तो आप समझ सकेंगे. अदरवाइज जो है वो आप भूल जाएंगे, राइट जाना था, लेफ्ट जाना था, जगह का क्या नाम था, ये वो. ठीक है, डैट वुड बी वेरी इजी. और आज हमने क्या करा है, क्या पढ़ा है, तीनों स्किल्स पढ़े हैं, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग. सबसे पहले हम गए थे रीडिंग स्किल्स पे. रीडिंग स्किल्स में आपने क्या किया था, वर्ड गेम खेली थी. वर्ड गेम में आपने वर्ड के मीनिंग्स को गेस किया था कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग. आपके पास एक गिवन था, रिपोर्ट गिवन थी न्यूज़पेपर से, आपने उसे क्या किया था, फॉलो किया था, वर्ड्स को मीनिंग्स खुद से सोच के गेस किए थे ताकि आपको समझ आ जाए कि हो क्या रहा है पूरी रिपोर्ट में. एंड इट वाज अ गुड एक्टिविटी. अगर आप ये करें आपको हर वक्त डिक्शनरी के आगे पीछे नहीं बैठना पड़ेगा. आप क्या करोगे, आप कॉन्टेक्स्ट के थ्रू वर्ड्स के मीनिंग्स को गेस करोगे. ठीक हो गया. एंड इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, आई रियली लाइक्ड इट. हमने फिर मीनिंग्स को वेरीफाई कर लिया था डिक्शनरी से, जो हमारे पास कॉलम गिवन था कि वेदर, हमने अच्छे मीनिंग सही लिखे थे, गैस सही किए थे, गलत किए थे. उसके बाद हमारे पास वर्ड्स गिवन थे. हाँ, समटाइम्स हम कुछ वर्ड्स को एज अ नाउन यूज करते हैं और समटाइम्स उन्हीं वर्ड्स को हम एज अ वर्ब भी यूज करते हैं सेंटेंस में. तो ये वाली बात आपने जरा ध्यान से देखनी है कि हम कुछ वर्ड्स को उन वर्ड्स के मीनिंग एज इट इज हमें समझ आ जाएंगे. जैसे व्हील्ड है, व्हील से निकला है, कोटिड है, कोट से निकला है, एयर है, एयर का मतलब समझ आ जाएगा, कॉर्नर्ड का मतलब कॉर्नर से निकला है, वर्डिड का मतलब वर्ड से निकला है. ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो किसी और वर्ड से निकले होते हैं तो हमें उसके लिए इजी हो जाता है हम उसको अंडरस्टैंड कर लें. उसके बाद जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं वो समटाइम्स जो है वो इस तरह यूज हो सकते हैं कि आप एज अ नाउन भी एज अ वर्ब भी. ठीक है, अब हमारे पास राइटिंग आ जाएगी. राइटिंग में हमने वर्ड सेंटेंसेस को ज्वाइन कैसे किया. ठीक हो गया. अगर हम जो हमने दो टाइप से कंजंक्शंस पढ़ी थी, अब एक कंजंक्शन में हमने क्या पढ़ा था, वो सिंगल वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं या सेम कैटेगरी सेम जो है वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, सेम फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं, सेम सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं. ठीक हो गया. या सब्जेक्ट सब्जेक्ट को ज्वाइन करते हैं या वर्ड फ्रेज या सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं. ठीक हो गया. और इसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है वो एंड, बट और होती है. ठीक हो गया. एंड, बट एंड और हमने तीनों की एग्जाम्पल्स पढ़ी, इजी समझ आ गया. सब ऑर्डिनेटिंग में हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं वो ये सब होती हैं कि आफ्टर, बिफोर, व्हेन, बिकॉज, सिंस, ऑल्दो, इफ, दो, ये सारी आपके पास गिवन है. ठीक हो गया. इसके बाद हमने डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ ली थी इनकी, डिफरेंट सेंटेंसेस, ताकि समझ आ जाएगी ये कहाँ कहाँ कब किस मीनिंग के साथ यूज होती हैं. अब उसके बाद लिसनिंग आ गई थी. लिसनिंग में ये कि आपके लिए बहुत इजी हो जाता है ये लिसनिंग का सारा काम, अगर आप बहुत ध्यान से सुनो. अगर आपके लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं तो आप किसी भी जगह पे कुछ भी, आप किसी भी सेमिनार में बैठे हुए हो, किसी भी जगह पे बैठे हुए हो, किसी लेक्चर में बैठे हुए, अगर आपके लिसनिंग स्किल्स अच्छे हैं ना तो आपको हर चीज माइंड में रह जाएगी. लेकिन अगर लिसनिंग स्किल्स आपके अच्छी नहीं तो आपको चीज समझने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. जैसे इस मुस्तफ़ा ने बताया वो सारा एड्रेस, तो अगर आप ध्यान से सुनो तो आपको समझ आ जाएगी बहुत इजी ड्रेस है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है. आप अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे लिसनिंग स्किल्स आपके मतलब इतने अच्छे नहीं होंगे आप ध्यान से नहीं सुनेंगे. तो आप ध्यान से सुनोगे तो आपको एड्रेस, बाकी चीजें भी जरूरी नहीं, एड्रेस, डायरेक्शंस, आपका लेक्चर, आपकी सब चीजें ध्यान से आप सुनोगे तो आपका वो काम आएगी, आपको ईजी हो जाएगा उसको सुनना, आगे उसको एक्ट करना. ठीक हो गया. और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी टूडे. एंड आज हमने तीनों स्किल्स पढ़े. एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इसमें तो आई एम अवेलेबल हियर, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन. एंड फर्स्ट लिसन ऑल द एग्जांपल्स एंड द लेक्चर केयरफुली. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आई एम हियर. और थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे. और अल्लाह हाफिज़.